मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिए शोभाधिक, सृकत अवधि दो राज। जह तह पुर जन कहे ही अस, मिले नर नारी समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही। इन सम कोइ न शिव अवराधे, कोई ना इन समान फल साधे। इन सम कोई न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जनम जनक पुरवासी। जिन जानकी रब छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेखी। पुरी देखब रघुवीर विवाहू, लेव भली विधि लोचन लाहू। कहीं परस पर को किल वयनी, ये विवाह बढ़ लाभ सुनैनी। भरे भाग विधि बात बनाई, नैन अतहि होए दो भाई। बारे ही बार स्नेह बस, जनक बुलायब सीए। लेन आई बंधु दो, कोटि काम कमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काही उस सासुर माई। तब तब राम लक्ष्मी निहारी, होही सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लक्ष्मण कर जोटा, तैसे ही भूप संग दोई टोठा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जाए। कहाँ एक मैं आज निहारे, जनु बिरंजी जे हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी नस कहीं नर नारी। लक्षण शत्रु सुदन एक रूपा, नख शिखते सब अंग अनूपा। मन भाव ही मुख मरनी न जाही, उपमा कह त्रिभुवन को नाही। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे ही अहे। पुर नारी सकल पसारी अचल, विदही वचन सुनावही। व्याहुअर चारे उभाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। कहीं परस पर नारी, बार बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पेओ निधि भूप दो। एही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमंग उमंग उर भरही। जे निपसिए सुअम्बर
भवन गए नहीं पाला। गए बीती कुछ दिन है भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बाराती। मंगल मूल लगन दिन आवा, हित ऋतु अग्न मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग भर वारू, नग्न शोधि विधि कीन विचार। पठि दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन जोई। सुनि सकल लोगन जह बाता, कही ज्योतिषी अपर विधाता। धेनु धूरी वेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेह सन, जानी समय अनुकूल सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। उपरोहित कहे ओ नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। शतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल तजी सब लाए। शंख निशान पणव बहु भाजे, मंगल कलश शकुन सब साजे। सुभग सुबासनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि में प्रपुनीता। नैन चले सादर यह भांति, गए जहाँ जनवास बाराती। कौशल पति कर देख समाजू, अति लघु लागती नहीं सुर राजू। भयो समय अब धारियो पाऊ, यह सुनी परानी सा नहीं खाऊ। गुरु ही पूछी करी कुल विधि राजा, चल संग मुनि साध समाजा। भाग्य भिवव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जनम निज वाद सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। सुरन सुमंगल अब सर जाना, वर्ष ही सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मा देव वधुवर था, चढ़े विमान ही नाना जो था। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले विलोकन राम विवाहू। देख जनक पुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सवही लघु लागे। चितवहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधरम सुशील सजाना। तिनी देख सब सुर पर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी। विधि भयो आश्चर्य विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समझाए देव सब, जनि आश्चर्य भुलाहू। हृदय विचारहु धीर धरे, सिए रघुवीर विवाह सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। जय
कर नाम लेते जग माही, सकल अमंगल मूल न शाही, कर तल हो ही पदारथ चारी, देसी राम कहो कुमारी। यह विधि शंभु सुरन समझावा, उन्हीं आगे बर वह सज जलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुल गीत गाता। साधु समाज संग वही देवा, जनु तनु धरे करही सुर सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनु धारी। मरकत कनक वरन वर जोरी, देखि सुरन भई प्रीति न थोरी। पुनि राम ही विलोक ही हर्षे, नृप ही सराही सुनन तिन वर्षे। राम रूप नख शिख सुभग, बारही बार नेहारी। पुलक गात लोचन सजन, उमा समेत पुरारी सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनंदक वसन सुरंगा। व्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल में सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु मदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कह न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोही संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर वर वंश प्रशंसक विरद सुनावही। जहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खग नायक लाजे। कह न जाए भल भांति सुहावा, बाजी वेश जनु काम बनावा। जनु बाजी वेश बनाई, मन से राम हित अति सोहि। अपने सुवय वल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहि। जगमगति जीन जड़ाव ज्योति, सुमोति मणि मणि कल गए। किंकन ललाम लगाम सहित विलोकि सुर नर ठगे। प्रभु मन सहि नवलीन मन, चलत बाजि छवि पाव। भूषित उड़ंगन तड़ित धन, जनवर वर ही न चाव सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण राम अस्वारा, तेहि शारद ही नवर ने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंच दश अति प्रिय लागे। हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर शाने, आठे नयन जाने पछताने। सुर स्नेह उर बहुत छाऊ, विदित डेढ़ सुलोचन लाऊ। राम ही चितव सुरेश
गौतम शाप परम हित माना, देव सकल सुर पते ही सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही, मुदित देव दण राम ही देखी, नृप समाज दहु हर्ष विशेखी, अति हर्ष राज समाज दो दिश तुदंबि बाज ही धनी, वर्ष ही सुमन सुर हर्ष कह जय जयति जय रघुकुल मणि, एही भांति जानी बारात आवत बाजने बहु बाज ही, रानी सुवासन बोल परिछन हेतु मंगल साज ही, सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछन करन गज गामनि वर नारसियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम, विदुवधनी शावक लोचन सब निज तनु छवि रति मद मोचन, पहिरे वर्ण वर्ण वर चीरा सकल विभूषण सजय शरीरा, सकल सुमंगल अंग बनाए करी गान कल कंठ लजाए, कंकन के कनन ऊपर चाल मिलो के काम गज लाजही, बाजही बाजन विविध प्रकारा नव अरुनगर सुमंगल चारा, शचि शारदा रमा भवानी जय सुर ते शुषि सहज सयानी, कपट नारी वर वेश बनाई मिली सकल विवश सब काहु न जानी, को जान के ही आनंद वश सब ब्रह्मवर पर छिन चली, कल गान मधुर निसान वर्ष ही सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद विलोक दूला सकल भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमंग सुअंग पुल कावल छई, जो सुख भासिए मात मन देखि राम वर वेश, सोनस कहि कहि कल्प शत सहस सारदा शेष सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम, नैन नीर भरि मंगल जानी परिछन चली मुदित मन रानी, वेद वहित अरु कुल आचारू कीन भली विधि सब व्यवहारू, पंचश्वत धनि मंगल गाना पट पावड़े पर ही विधि राना, करी आरती अर्थ तिन दीना राम गवन मंडप तब कीना, दशरथ सहित समाज विराजे विवह विलोक लोक पति लाजे, सम समे सुर वर्ष ही फूला शांति पड़े ही वह सुर अनुकूला, नभ अरुनगर कोलाहल होई
करी बौद्धिक लौकिक सब रीति, मिलत महा दो राज विराजे, उपमा खोज खोज कभी लाजे, लही नक तही हारी ही ये मानी, इह संग ही उपमा और आनी, समधि देखी देव अनुरागे, सुमन वर्षी जश गावन लागे, जग विरंचे समधि देखे हम आजु, देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दोहु निश वाची, धित पावले अर्घ सहाये, सादर जनक मंडप हिले आए, मंडप विलोक विचित्र रचना, रुचि चरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कही, आनी सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिष वशिष्ट पूजे, विनय करी आशिष लही, कौशक ही पूजत परम परीति की, रीति तो देव आदिक ऋषि पूजे मुदित महीश, दिए देव आसन सब ही, सब सन लही आशीष, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण कीन कौशल पति पूजा, जानीश सम भावना दूजा, कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कह निज भाग्य विभव बहुताई, पूजे भूपति सकल वराती, समधि सम सम सागर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ मुख एक उछाहू, सकल बारात जनक सन मानी, दान मान विनती वर वानी, विधि हर हर ऋषि पति दिन राऊ, जे जान ही रघुवीर स्वभाऊ, कपट विप्रवर तक देख ही अति सच पाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिन पहचाने, पहचान को कही जान सब ही, अपान सुधि भोरी चंद्र मुख चंद शबी लोचन चार चकोर, करत पान सागर सकल प्रेम प्रमोद ना थोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम।
जहां तहां नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड आपस में ये वार्ता करने लगे कि राम सीता तो शोभा की मर्यादा है और राजा दशरथ तथा जानकी ये दोनों राजा पुण्य की सीमा है। श्री राम जानकी जी तो जनक जी के पुण्यों की मूर्ति ही है। दशरथ जी के पुण्य ने श्री रामचंद्र जी का शरीर धारण कर लिया है। इनके समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की है। इनके समान संसार में दूसरा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, ना कोई है और ना होने वाला है। हम सब भी समस्त पुण्य की राशि संसार में उत्पन्न होकर जनकपुर के वासी हुए हैं। भला हमारे समान पुण्यशाली कौन है जो राम जानकी की शोभा को देखते हैं और अब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर नेत्रों को का लाभ उठावेंगे। इस प्रकार कोकिल के समान बोलने वाली स्त्रियां कहने लगी कि हे सुनैनी, बड़े भाग्य से विधाता ने ये बात बनाई है कि अब ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। फिर स्नेह के वश राजा जानकी बार बार सीता जी को बुलाएंगे और तब ये करोड़ कामदेव की शोभा वाले दोनों भाई सीता जी के बुलाने आवेंगे। तब अनेक प्रकार से इनकी पहनाई होगी। भला ऐसी ससुराल और नैका नहर किसको प्रिय ना होगा। और तब तब राम लक्ष्मण को देखकर समस्त पुर के लोग सुखी होंगे। ये सखी जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसा ही राजा दशरथ के साथ दो सुंदर बालक और हैं। दशरथ कहते हैं उनके सांवले और गोरे रंग बड़े ही सुहावने हैं। उनमें से एक सखी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। भरत तो राम के स्वरूप है, ऐसा कोई भी स्त्री पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकता। और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी एक ही रूप के हैं। नख से शिखा पर्यंत उनके सभी अंग अनुपम हैं। वे मन को ऐसे अच्छे लगते हैं जिनकी उपमा में त्रिलोक में कोई नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उपमा के लिए कहीं भी कोई नहीं है। बल विनय विद्या और शील तथा शोभा के समुद्र इनके समान यदि कोई है तो यही है। इन चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब मंगल गावें। स्त्रियां नेत्रों में जल भरकर और शरीर में पुलकायमान हो आपस में यही कहती हैं कि हे सखी, महादेव जी सब कुछ ठीक करेंगे क्योंकि दोनों ही राजा पुण्य के समुद्र हैं। इस प्रकार सब अपनी इच्छा को प्रकट करती हुई एक दूसरे को हृदय से लगा लेती हैं। इधर जितने राजा सीता के स्वयंवर में आए थे वह राम लक्ष्मण को देखकर सुखी हुए। फिर रामचंद्र जी का पवित्र जश वर्णन करते हुए सब राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बारातियों और पुरजनों के सम्मिलित आनंद में कुछ ही दिन बीत गए। तब वह विवाह लगन हो हेमंत ऋतु और शोभायमान अगमन के महीने में पड़ी थी। उनके ग्रह तिथि नक्षत्र और उत्तम योग दिन और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने विचार किया और उसे नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। जो लगन जनक जी के ज्योतिषियों ने निश्चित कर रखा था ये सुनकर सबने कहा, ठीक है, ज्योतिषी एक दूसरे विधाता ही है। तब उस पवित्र गोधूली के निर्मल समय को सब प्रकार के सुमंगलों का मूल और लगन के अनुकूल जानकर ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा। उसे सुनते ही जनक जी ने अपने पुरोहित से कहा कि अब विलंब करने में क्या कारण है। तब शतानंद के मंत्रियों को बुला तो वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। फिर तो शंख नगाड़े और ढोल आदि अनेक बाजे बजने लगे और शुभ शकुन ने मंगल कलश सजाए गए। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। तब इस प्रकार पुरोहित जी को सबको साथ लेकर जनवासे में गए और कौशलपति महाराज दशरथ के समाज को देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी अत्यंत दिखने लगे। अब समय हो गया है, चरण पधारिए। ये सुनते ही नगाड़े बजने लगे। तब राजा दशरथ ने गुरु से पूछ अपने कुल की समस्त रीतियों की, वह मुनियों व साधुओं को समाज सहित चले। अब नरेश महाराज दशरथ के उस भाग्य ऐश्वर को देखकर ब्रह्मादि देव का और हजारों मुख से शेष उनकी प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने जन्म को व्यर्थ माना। फिर तो उस मंगल समय को जानकर देवता नगाड़े बजाकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। महादेव और ब्रह्मादिक देवताओं ने भांति भांति के अनेक समूह से विमानों में बैठकर सब लोग शरीर और हृदय में प्रेम और उत्साह लिए श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवताओं अनुराग हुआ तथा उन सबको अपने अपने लोक छोटे लगे। वह चकित चित से देखते हैं तो मंडप बड़ा ही विचित्र और सभी रचनाएं भी अलौकिक है। नगर के स्त्री पुरुष रूप के निधान और अपने सुंदर मर्म को भली भांति जानने वाले है। उन सबको देखकर स्वर्गपुरी की स्त्रियां की ऐसी शोभा हुई कि जैसे चंद्रमा के आगे ताराओं की शोभा होती है। उस रचना को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने अपनी करनी कहीं भी नहीं देखी। तथा तब महादेव जी ने समस्त देवताओं को समझाकर कहा, इस आश्चर्य में मत भूलो
और हृदय में धैर्य धारण कर इस पर विचार करो, ये उन सीता और राम का विवाह है। संसार में जिनका नाम लेने से समस्त मंगल का मूल का नाश हो जाता है और सहज ही चारों पदार्थ हाथ के नीचे रहते हैं, वही सीता राम है, श्री महादेव जी ने कहा। इस प्रकार देवताओं को समझकर फिर महादेव जी ने आगे अपना श्रेष्ठ बैल चढ़ाया। उधर देवताओं ने देखा कि दशरथ जी महाप्रसन्न मन और पुलकित शरीर हो चले जा रहे हैं। उनके साथ में संतों का समाज और भूदेव ब्राह्मण जा रहे हैं, मानो देवता ही उनकी सेवा कर रहे हैं। राजा के चारों पुत्र भी ऐसे ही शोभायमान हैं, मानो मुक्ति ही शरीर धारण किए हैं। उस जोड़ी को देखकर देवताओं के हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई। रामचंद्र जी को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने भाग्य की बड़ाई करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को नख से शिखा पर्यंत बारंबार देखते हुए पार्वती के सहित महादेव जी का शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में जल भर आया। राम जी मोर कंठ की कांति के समान सांवले शरीर पर पीताम्बर धारण किए हैं। विवाह के समय ऐसे श्रेष्ठ गहने भी पहने हुए थे कि जो सब प्रकार से शोभायमान और मंगलप्रद थे। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान है, नील कमल को ले जाने वाले नेत्र और सारा सौंदर्य अलौकिक ऐश्वर्य है, कहाँ नहीं जाता, मन ही मन अच्छा लगता है। ऐसे मन को हरने वाले भरत आदि भाई अपने चंचल घोड़ों को नचाते हुए जाते हैं और बंदीजन राजा का जशोगान करते सुनाते जाते हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है उसके चालकों को देखकर गरुड़ भी लज्जित होता था। वह सब प्रकार से अच्छा लगता था, मानो कामदेव ही घोड़ा बन गया है, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर श्री रामचंद्र जी के लिए अत्यंत शोभित हो रहा है। जो अपने सुंदर अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त भूमंडल को मोहित कर रहा है, उसकी जीन जड़े हुए मोतियों से जगमगा रही थी। उसमें बहुत ही सुंदर मणि माणिक और मोती जड़े हुए थे और उसकी सुंदर लगान में जो किंकनी लगी हुई थी उसे देखकर देवता, मनुष्य तथा मुनियों को भी मन मुग्ध हो जाते थे। प्रभु की इच्छा में जिसका मन विलीन है उसके लिए उस घोड़े का चलना ऐसी ही शोभा को प्राप्त होता है जैसे तारागण में बिजली से भूषित मेघ। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार थे उसकी शोभा सरस्वती भी नहीं कह सकती थी। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देखते हुए शंकर जी अपने 15 नेत्रों को सफल समझे। इसी प्रकार जब विष्णु ने देखा तो लक्ष्मी सहित उनका भी मन मोहित हो गया। ब्रह्मा जी रामचंद्र जी की शोभा को देखकर प्रसन्न हुए तथा अपने पास 8 ही नेत्र हैं ये जानकर मन में खेद करने लगे। परंतु स्वामी कार्तिक जी प्रसन्न हुए क्योंकि वह ब्रह्मा जी से 1.5वें नेत्र थे। जब इंद्र ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो मुनि गौतम को के शाप को बड़ा ही हितकर माना। समस्त देवता इंद्र की प्रशंसा करते थे कि आज इंद्र ने समान कोई नहीं है। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर देवता प्रसन्न हुए। दोनों राज समाजों में विशेष हर्ष हुआ। दोनों राजा समाज में दोनों ओर से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बहुत से बाजे बज रहे थे। उसी समय श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर देवताओं ने फूल बरसा दिए। बारात जाते हुए जानकर अनेक बाजे बजने लगे। जनक रानी सुहासिन स्त्रियों को बुलाकर परिछिन एवं आरती के मांगलिक द्रव सजाने लगी। इस प्रकार समस्त मंगलों से युक्त आरती का अनेक प्रकार से सजाकर श्रेष्ठ गजगामिनी स्त्रियां प्रसन्नता पूर्वक परिछिन करने चली। वह चंद्रवदनी और मृगनयनी स्त्रियां जो अपनी शोभा से रति के मान को भी मर्दन करने वाली थी, चटकीले बड़कीले वस्त्र पहने उत्तम आभूषणों से अपने शरीर को सजाए हुए थी। सब सुंदर अंगों को बनाए कोकिल कंठ से गान करती चली जाती थी। कंकण कनादनी आदि से सुसज्जित स्त्रियां जिनकी चाल को देखकर मतवाले हाथी भी लज्जित हो जाते थे। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश मंडल में नगर में सुंदर मंगल चार हो रहा था। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और देवताओं के पवित्र स्त्रियों के संभावित चतुर्थी, वह सब छल से पटरानियों का सुंदर वेश बनाकर राजा जनक के रनिवास में जा मिली और मंगल मैनी वाणी से सुंदर गीत गाने लगी। हर्ष से विवश हो उनको किसी ने भी नहीं पहचाना। कोई जानता भी तो कैसे, सभी तो उस आनंद के वशीभूत थे और सबके सब उस श्रेष्ठ दूल्हा ब्रह्मा का परिछन करने को चली। नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां सुंदर गीत गा रही थी। उस समय आनंद कंद श्री रामचंद्र जी का दूल्हा रूप देखकर समस्त स्त्रियों का हृदय प्रसन्न हो गया। उनके कमलवत नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकायमान हो गया। परंतु श्री रामचंद्र जी के मनोहर वेश को देखकर जो सुख सीता जी के माता के मन में हुआ उसको हजार जिहा वाले शेष नाग और सरस्वती भी 100 कल्प तक वर्णन करे तो भी नहीं कह सकते। तब मंगल का समय जानकर नेत्रों के जल को रोक प्रसन्न मन से रानी परिछन करने चली। वेद में जैसा आचार बतलाया गया है उस विधि के अनुसार अपने कुल की समस्त रीतियां भली भांति की। फिर तो उस पंच शब्द की ध्वनि और मंगलाचार के गाने अनेक भांति के वस्त्रों के पावड़े पन्ने लगी। उसी समय रानी के आरती कर अर्घ दिया और श्री रामचंद्र जी मंडप में गए। तब अपने समाज सहित दशरथ जी वहां आए और उनके अश्वर को देखकर लोकपाल भी
लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे और योग्य ब्राह्मण शांति पाठ करते थे। आकाश और नगर में कोलाहल मच रहा था और अपना और पराया कोई भी किसी का कुछ नहीं सुनता था। सब जब श्री रामचंद्र जी मंडप में आए तब उनको अर्ध देकर आसन पर बिठाया गया। इस प्रकार दूल्हे को आसन पर बिठा आरती कर स्त्रियां सुख पा रही हैं। मणि वस्त्र तथा भूषण उन पर निछावर करती हुई मांगलिक गीत गा रही हैं। ब्रह्मा जी के बड़े बड़े देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर वह कौतक देख रहे हैं और सूर्य वंश स्वरूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। इसी प्रकार नाव वारी भाट और नट भी श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शिर नवाकर आशीर्वाद देने लगे। वह हर्ष हृदय में नहीं समाता था। पश्चात तो समस्त विधियों को पूर्ण करके राम जनक जी ने महाराज दशरथ से प्रीति पूर्वक मिले और उनसे मिलने से जैसी शोभा प्राप्त हुई उस उपमा को कभी खोज खोज कर लज्जित हो गए। और जब कहीं भी उपमा ना मिली तो हृदय में हार मानकर यही कह दिया कि इनके समान यही है। दोनों समाधियों को देखकर देवता पुण्य बरसाकर उनका यशोगान करने लगे। ब्रह्मा ने जब संसार में हमें पैदा किया तब से हमने बहुत व्याह देखे और सुने हैं, परंतु जब प्रकार के साज समान वाले बराबरी के समी हमने आज ही देखे हैं। तब आकाश से देवताओं की ऐसी सुंदर और सत्यवाणी को सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति बढ़ गई। फिर दर्द देते तथा सुंदर पामड़े बिछाते हुए राजा जनक जी सबको मंडप में लेवा ले गए। मंडप की विचित्र रचना और सौंदर्य तो देखने से मुनियों को भी मनमोहित हो जाते थे। तब राजा जनक ने स्वयं अपने हाथ से सबके लिए सिंहासन लाकर रखा। फिर जैसे कोई अपने कुल देवता की पूजा करता हो उसी प्रकार राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ की पूजा की और प्रार्थना उससे आशीर्वाद लिया। किंतु मुनिवर विश्वामित्र जी की पूजा करने में तो इतना अधिक प्रेम बढ़ा कि उस प्रीति का वर्णन नहीं हो सकता है। फिर महाराज जनक ने प्रसन्नता पूर्वक वामदेव आदि ऋषियों की पूजा की और सुंदर आसन देकर सबको आशीर्वाद ग्रहण किया। फिर राजा जनक ने कौशलापति महाराज दशरथ जी की पूजा की और उनको ईश्वर के समान ही जाना। फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना और प्रशंसा कर अपने भाग्य वैभव को धन्य माना। फिर राजा जनक ने सब भांति समस्त बारातियों समी जैसे ही आदर सहित भली भांति पूजन कर सबको यथा योग्य आसन पर बिठाया। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन क्या करूं। जनक जी ने दान मान और विनती द्वारा सब बारातियों का श्रेष्ठ वाणी से सम्मान किया। तब ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि जो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते थे फिर कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए उस विनोद को अत्यंत चुपचाप देख रहे थे। राजा जनक ने उन सबकी देवता के समान पूजा की और बिना पहचाने सुंदर आसन दिया। कौन किसको जाने और पहचाने सबको अपनी ही सुधी ना रही, क्योंकि आनंद कंद श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हा को देखकर तो दोनों ही ओर आनंदमय था। किंतु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान कर मन ही मन उनकी पूजा की और वैसा ही मानसिक आसन दिया। तब प्रभु ने ऐसे शील स्वभाव को देखकर देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो सब किसी के चकोर रूपी सुंदर नेत्र श्री रामचंद्र जी के चंद्र मुख का प्रेम पूर्वक पान करने लगे, क्योंकि प्रेम का अनंत थोड़ा नहीं था अर्थात बहुत ज्यादा था।